कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश पुलिस के एक लेडी कांस्टेबल को कोचिंग के विज्ञापन में रोल निभाना महंगा पड़ गया। यदि आपको भी वहाँ से तैयारी करनी है तो आप उनका वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के रतलाम के एक लेडी कांस्टेबल का वीडियो काफी वायरल हुआ। लेडी कांस्टेबल की पहचान अनिष्का रावत मीणा के तौर पर हुई। अनिष्का ने वीडियो में एक निजी कोचिंग संस्थान की तारीफ की थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने लेडी कांस्टेबल से पूछा कि उसने कहां से तैयारी की थी। इस पर कांस्टेबल ने एक कोचिंग सेंटर की जमकर तारीफ की। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तुरंत ही रतलाम एसपी ने इस पर एक्शन लिया और रतलाम एसपी ने तत्काल प्रभाव से कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। वो वीडियो मैंने नहीं पोस्ट किया था। मुद्दा ये है कि एक सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी में आया था कि एक वीडियो जानकारी में आया था जिसके अंदर एक कांस्टेबल महिला जो है वो एक कोचिंग का प्रचार प्रसार करते हुए एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिख रही है। वीडियो संज्ञान में आने पे तत्काल उसके खिलाफ में जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, उसको निलंबित कर दिया गया है और साथ साथ में विभागीय स्तर पर उसकी कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था तो उसी को टैग करके मेरे द्वारा जो है वो जानकारी दी गई है कि मेरे द्वारा जो है उसे निलंबित करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि रतलाम के नामली पुलिस थाने में पदस्थ कांस्टेबल अनिष्का रावत मीणा नीमच जिले की रहने वाली है। वो नौकरी के साथ साथ एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रही है। भारत में पुलिस की नौकरी को काफी जिम्मेदारी का माना जाता है। पुलिस की वर्दी की लोग काफी इज्जत करते हैं और ऐसे में वर्दीधारियों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। ऐसा कोई काम ना करे जो उनकी वर्दी को शोभा नहीं देता। टीम न्यूज से। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में रोजाना हजारों भक्त पहुंचते हैं, लेकिन अब इन भक्तों को डर सता रहा है कि कहीं कोई कुत्ता न काट ले। महाकालेश्वर मंदिर परिसर से कुत्तों के